हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी, पी दिस इज़ द सेकंड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वे वी आर डिस्कसिंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 2021, एंड दिस इज द पार्ट टू सो लेट्स अंडरस्टैंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज ओनली व्हाट वी अंडरस्टैंड वी कौन चलिए सो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक देख लिया था Let us have a look at question number 23. Policymakers and media have placed the blame for skyrocketing food prices on a variety of factors including high fuel prices, bad weather in key food producing countries, diversion of land to non-food production, increased emphasis however has been placed on a surge in demand for food from the most populous emerging economies it seems highly probable that mass consumption in these countries could well be poised to create a food crisis before going on to the question tell me what is this particular question about it is talking about food prices right and how they are increasing and what is the cause of this increase first cause is, first cause is high fuel prices second is bad weather in the food producing countries third is the diversion of land and fourth is the high demand in most populous economies understood now let us look at the question following assumptions have been made and which of the assumption is correct you have to tell oil producing countries are one of the reasons for high food prices now let's look at the passage if anywhere this is given the passage only says that high fuel fuel prices is one of the reason

नो द ओनली थिंग दैट वॉज गिवन हेयर इज फ्यूल प्राइसिस हाई है तो फूड प्राइसिस हाई है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का कोई जिक्र नहीं है कुछ नहीं बताया तो यू कैनोट एज्यूम दैट अंडरस्टुड इफ देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमरजिंग इकोनमीज अगेन इन करेक्ट देखिए क्या बोल रहे ये लास्ट में देखिए Mass consumption in these countries, which countries, most populous emerging economies, will create a food crisis not for just these countries but for the entire world. Okay, and it was not talking just about emerging economies, it was talking about the most populous emerging economies. There are a lot of emerging economies that are not that populous. Food crisis in the world in the near future. will be in the emerging economies no no the population of the emerging economies will cause the food crisis in the world in the near future but it will not just be limited to emerging economies understood so the answer here will be d kya samjha aapne yahan se kya sikha हमने सीखा कि देखिए जितनी बात पैसेज में बताई गई है उतनी ही आपको समझनी है उसके बियॉन्ड जाना नहीं है ऐसा हो सकता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की वजह से फ्यूल प्राइस राइज कर रहा हो लेकिन वो पैसेज में मेंशन नहीं है तो आप उसे ज्यूम नहीं कर सकते अंडरस्टूड चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पैसेज अ सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ बाय विच इज में जी डी ग्रोथ इन थियोरी राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़

जीडीपी इंप्लायमेंट क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है एटलीस्ट में तो करता ही है जब कहीं एज इनकम ग्रोज इन अ कंट्री वहां पे जो जी डी पी लेवल एक कभी कम था, अब धीरे धीरे जब इनकम ग्रो कर रही है तो उसकी वजह से हाउस होल्ड में कम्युनिटीज में गवर्नमेंट में एक ही टेंडेंसी हो जाती है कि वो कुछ फंड साइड रख पाते हैं फॉर अ गुड लाइफ तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो लीडिंग टू गुड लाइफ दस आज कोई भी बोलते इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं जीडीपी ग्रो कर रहा होगा ओके लेट अस लुक एट द क्वेश्चन फिर से वही है बना लिए कुछ राइजिंग जी डी पी इज असेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री अभी बताइए कहां दिया है इसने पूरे पैसेज में बताइए आप मुझे इसने कहीं जिक्र ही नहीं किया डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का उसने यहां पे वर्ड मैंशन किया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है अकेडमिक है इसके बाद इसने सिर्फ ये बोला है कि जी होता है जी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और गुड लाइफ बनती है तो ग्रोथ मतलब जी ग्रोथ बस ये कहां से आ गया कि आप डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे जी डी एसेंशियल है बकवास है ना तो राइजिंग जी डी पी गेंटीज आर रीजनेबल डिस्ट्रीब्यू नो 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 बिल्कुल भी नहीं राइजिंग जी डी पी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड हाउ यू यूज दिस दिस इज तो नॉट इवन हैपनिंग

ओके okay, आगे बढ़ते हैं ओके विद रेस्पेक्ट टू वॉट आर कोल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन इफ एवरी वन इज लेफ्ट टू बी अ जज ऑफ इज ओन रिलीजन देर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग सही बात है तो बट इफ दे आर टू बी अ जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन देर इज नो सच थिंग एज अ रिलीजन दैट इज राइट अरे आर नाइस अ नाइस लाइन ब्रिलियंट एंड देर फॉर ऑल द वर्ल्ड ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन एबसोल्यूटली क्या बढ़िया लाइन है यार। अगर हर को अपने रिलीजन का जज बना दे तो कोई भी रिलीजन दुनिया में गलत नहीं होगा और अगर हर इंसान को दूसरे के रिलीजन का जज बना दे तो दुनिया में कोई भी रिलीजन सही नहीं बचेगा क्या बढ़िया मैसेज है यार मोस्ट लॉजिकल अजम्पन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवेन अबाउ ओके नो मैन कैन लिव विदाउट एडियरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन एक तो ये भी समझ लीजिए डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू वॉट आर द कोल्डिनेशन ऑफ रिलीजन ओके दिस थिंग दैट दिस पर्टिकुलर ऑथर और पैसेज इज टॉकिंग अबाउट यहां से लेके यहां तक इट इज द डिनिनेशन ऑफ रिलीजन तो पहला क्या है पहला यही कि इफ किन इज लेफ्टी जज ऑफ इज ओन रिलीजन देर इज नो सच थिंग इज राइट रिलीजन दूसरा ये अगर दूसरे का जज करोगे तो कुछ भी सही नहीं है एंड तीसरा ये देर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन दीज आर द डिनोमिनेशन रिलीजन चलिए आप पहला देखिए नो मैन लॉजिकल अजम्पन है वापस से ठीक है नो मैन कैन लिव विदाउट एडियरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं बोला ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं बोला इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपोगेट रिलीजियस डिनोमिनेशन अगेन नो रिलीजियस डिनिनेशन टेन टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन एंड लास्ट है मैन डो नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन आप मुझे बताइए अभी इसमें से कौन सा आपको सबसे लॉजिकल एजम्स लग रहा है ट्राई करिए पोज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट देखिए अब यहां समझिए रिलीजियस डिनोमिनेशन ठीक है आप किसी रिलीजन में विश्वास करते हैं अब अगर आप अपने रिलीजन को जज करेंगे तो आपका रिलीजन गलत नहीं है दूसरे को जज करेंगे तो वो रिलीजन खराब है गलत है इस तरीके से सब कुछ या तो सही है सब कुछ या तो गलत है यह पैराग्राफ बोल रहा है अब इसके बेसिस पे अपने बनाया पहला स्टेटमेंट है नो मैन कैन लिव विदाउट विदाउटरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं ये ऐसा नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर आप रिलीजियस डिनोमिनेशन को मानोगे तो आप अपने रिलीजन को सही बोलोगे सामने वाले के रिलीजन को गलत बोलोगे नहीं कह रहा है कि आप बिना उसके जी नहीं सकते यह ड्यूटी है प्रोपोगेट करना अगेन नहीं नहीं रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन देखिए यही मैं आपको बात बोल रहा था क्योंकि रिलीजियस डिनोमिनेशन आपको यह सिखा रहे हैं कि आपका रिलीजन सही है दूसरे का रिलीजन गलत है अगर आप खुद के रिलीजन को कि आपका रिलीजन बेस्ट दूसरे का रिलीजन पे क्या इग्नोर हो रहा है द यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड द यूनिटी ऑफ मेन एंड मैन डो नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन ऐसा भी कहीं नहीं लिखा उसने तरह तो यह बोला है कि खुद का रिलीजन तो आप इतने अच्छे से समझते हो कि आपका बेस्ट है आपको ये लगता रहेगा करेक्ट चलिए चलते हैं फिर तो दिस इज सी एज द आंसर लेट्स मूव है आर नॉट सो मच टू बी इंप्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट एज टू द बैड स्टेट ऑफ अ डोमिनियन ओके कह रहा है कि सडिशंस वॉर्स कंटेम्प्ट ब्रीच ऑफ लॉ ये आप विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट पे इतना मत डालिए जितना आप बैड स्टेट ऑफ अ डोमिनियन पे इसको डालिए डोमिनियन मतलब वही स्टेट फॉर मैन आर नॉट बॉर्न फिट फॉर सिटीजनशिप बट मस्ट बी मेड जो इंसान जो है वो पैदा नहीं होते हैं दे आर नॉट बोर्न फिट फॉर सिटीजनशिप आप उनको किसी वही ना ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि ये यहां का सिटीजन ये यहां का सिटीजन आप उनको बताते हो कि आप यहां के सिटीजन आपको ये वाले कानून फॉलो करने बिसाइड्स मेन्स नेचुरल पैशंस आर एवरी वेर द सेम एंड इफ विकन मोर प्रिवेल्स एंड मोर ऑफेंसिस आर कमिटेड इन वन कॉमनवेल्थ इन अदर It is certain that that the the former has neither enough pursued the end of unity, nor framed its laws with sufficient forethought, and that therefore it has failed in the making quite good its right as a commonwealth. क्या बोल रहे इंसान है उसके नेचुरल पैशंस हर जगह सेम होते हैं ठीक है और अगर ने ज्यादा प्रिवेल करती है ज्यादा ऑफेंसेस कमिट होते हैं किसी भी एक कॉमनवेल्थ में मतलब किसी भी एक कंट्री में दूसरे से ज्यादा ऑफेंसिस होते हैं तो ये सर्टेन है कि उस कंट्री ने ना तो अच्छे से यूनिटी वो बना पाया है ना अच्छे से लॉज बना पाया है एंड दस क्या कर, हुआ है कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ पर्टिकुलर डोमिनियन जो पर्टिकुलर स्टेट वो जो कंट्री है वो फेल हुई है समझ में आ गई बात पैसे समझ लेना आपने पढ़ते पढ़ते फिर नहीं आपका क्वेश्चन रुकने वाला है चलिए देखिए मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस पूछा है okay, इस पैराग्राफ को पढ़ के आप क्या इन्फर करते हो ओके सेडिशन वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ द लॉ आर इन एविटेबल इन एवरी डोमिनियन नहीं उसने क्या बोला ऊपर कि अगर ये हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं गलत कर रहे हो ये, ये नहीं कह रहा है कि इनएविटेबल है अगर स्टेट ने सही बनाया होता तो ये होते नहीं इट इज नॉट द पीपल बट द हु इज रिपॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू एस्टेब्लिश अ गुड डोमिनियन देखिये सबसे पहले तो ये दोनों तो बकवास हैं ठीक है, है क्यों क्योंकि यहां पर क्या बोल रहे हैं सर्डिशन वॉर ब्रीच ऑफ लॉ ये इनविटेबल है हर डोमिनियन में होंगे ही होंगे नहीं उसने ये नहीं बोला था उसने बोला था कि ये चीजें जो है वो दिखा दिया कि आपकी स्टेट में गड़बड़ है आपकी कंट्री के जो गवर्नमेंट है जो बना रही है कानून उसमें गड़बड़ है ठीक है और आपको कैसे कानून बनाने चाहिए जो यूनिटी को परस्यू करें राइट right? जो इंसान को सही सिटीजन बना सके कि उसे यह सब करना ही ना पड़े देन सेकंड था इट इज नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब ऑफ एनी डोमिनियन एंड ये तीसरा है द डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज यूनिटी एंड हैज लॉस फॉर गुड सिटीजनशिप अब देखिए ये तो लास्ट वाले लाइन में एज इट इज ही रखा है कि वो जो अच्छे एंड ऑफ यूनिटी के लिए और ऐसे लॉज बनाएगा कि बेटर सिटीजनशिप वो प्रमोट कर सके वो एक अच्छा डोमिनियन है ये बात तो यहां से आप इन्फर कर ही सकते हो तो ये आपको लगेगा कि आंसर हो सकता है लेकिन ये वाला स्टेटमेंट आप कट कैसे करोगे इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन ओके देखिए ये क्या बोल रहा था इसने बोला है कि विकटनेस से ज्यादा स्टेट बैड स्टेट ऑफ डोमिनियन इंपॉर्टेंट है इसने ये नहीं बोला कि सब्जेक्ट्स गलत हैं ही नहीं इसने बोला कि ज्यादा गलत डोमिनियन है बात समझ रहे हो इसने ये नहीं बोला कि सब्जेक्ट्स गलत ही नहीं है देखिए यहां पे पढ़ी ना इसे मैं इरेज करता हूं देखिए इंप्यूटेड टू द वीकनेस ऑफ द सब्जेक्ट एज टू द बैड स्टेट ऑफ ए डोपिनियन नॉट सो मच टू बी इंप्यूटेड टू द वीकनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स एज टू बैच सेट ऑफ द डोमिनियन मतलब इनपे इतना उसका भार मत डालो जितना इस चीज पे डालो क्योंकि इनका तो ने, नेचर यह है ऐसी चीजें करना तो ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती नहीं है लेकिन ज्यादा गलती डोमिनियन की है तो इट इज नॉट द पीपल ऐसे गलत हो जाएगा कहना हाँ सोवरिन तो इसको कैसे बोलना चाहिए था मोर अगर ये ऐसे बोलता इसी स्टेटमेंट को लेट मी रीफ्रेम इट मोर देन पीपल इट इज

Inequality violates a basic democratic norm, the equal standing of citizens. Equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is, morally speaking, a default principle. Therefore, persons should not be discriminated on grounds of race, caste, gender, ethnicity, disability, class. These features of human condition are morally irrelevant. Nice, good passage. The idea that one should treat persons with respect not only because some of these persons possess some special features or talent, for example, skilled cricketer, gifted musician, literary giants, but because persons are human beings is by now part of the common sense morality. क्या बोल रही है कि देखिए equal equality by default principle है। आप इंसान पैदा हो गए अब आप इक्वल हो। उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रेस कास्ट जेंडर ethnicity, डिसेबिलिटी क्लास कहाँ पैदा हुए हो। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये मॉरली इनका कोई रिलेवेंस नहीं है मॉरली आप इंसान कैसे उसका रिलेवेंस है ठीक है तो किसी के पास कोई स्पेशल फीचर है स्पेशल टैलेंट है कि कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है या कोई अच्छा म्यूजिक बजाता है वो उसके रिस्पेक्ट का कारण नहीं बनना चाहिए रेदर आपको ये देखना चाहिए कि मॉरली रेलिवेंट चीजें क्या हैं क्योंकि अब रेस्पेक्ट किस चीज की है बिकॉज पर्सन आर ह्यूमन बींग्स क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी आदमी एक ह्यूमन बींग है मानव है इसी बात से उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए इसी बात से उसकी इक्वालिटी आनी चाहिए क्लियर चलिए जी वापस आए देखते हैं कुछ सही है क्या इस बार इज अ वापिसिटीट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस क्या बोल गया ये इक्वालिटी एक प्री रिक्विजिट है फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस सही है ठीक है ऐसे बोल सकते हो कि ये कह रहा है कि इक्वालिटी जो है वो एक प्री रिक्विजिट है मतलब कि एक वो डिफॉल्ट प्रिंसिपल है एक वो होना ही होना चाहिए ताकि कोई भी इंसान सोसाइटी में चल रही चीजों में पार्टिसिपेट कर सके फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि अदरवाइज अगर आप उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे तो वो कहां से पार्टिसिपेट करेगा कर ही नहीं पाएगा समझ रहे हो बात अगर आप पहले ही बोल दोगे कि नहीं यार ज वो इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है वो हमारी सोसाइटी में नहीं हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं हो सकता गलत है ना अकरेंस ऑफ इनइलिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी ओके इसने बोला था डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है ये इक्वल इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन तो अगर इनक्वालिटी आ जाएगी तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए डेट्रीमेंटल होगा ओके okay, चलिए इस पर सोचेंगे अभी इक्वल स्टैंड ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया डेट कैनोट एक्चुअली भी रियलाइज्ड इवन इन डेमोक्रेसी नहीं देखिए इस पर इसने कुछ नहीं बोला है भले ही आपको पढ़ने में स्टेटमेंट सही लगे लेकिन दिस इज नो वेयर सेट इन द पैसेज तो सबसे पहले तीसरा काट सकते हो आप देख लो आप इसने तो यही बोला ना कि अब तो रेदर ये एक कॉमन सेंस मोरलिटी का पार्ट बन गया है तो अब तो बहुत ही कॉमन हो गई है चीज़ की अरे इतनी कॉमन सेंस नहीं है वो इंसान है बस उतना बहुत है ऐसे करके तो सबसे पहले थर्ड ही कटेगा तो थर्ड कटा तो क्या खत्म हो गया ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया वन आपको श्योर हो गया नो इधर टू और फोर फोर पढ़ लेते हैं राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू आर वैल्यूज इन डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबलरी ओके और सेकेंड बोल रहे हैं कि अगर इन इक्वालिटी हो जाएगी तो सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए डेट्रीमेंटल होगा हम्म hmm, कौन सा जम्शन आप बना सकते हैं सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए डिट्रीमेंटल ये थोड़ा एक्सट्रीम है देखिए क्योंकि यहाँ पे इसने बोला इनवैलिटी वायलेट करता है एक डेमोक्रेटिक नॉम को इसने ये नहीं बोला कि डेमोक्रेसी का स्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगा उसका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पे लिखा होता इनक्वेलिटी वायलेट सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी बाय द फॉलोइंग पॉइंट तो आप इस तरफ सोच सकते थे बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा यहां पर जस्ट इतना लिखा है इनक्वालिटी की वजह से बेसिक डेमोक्रेटिक नॉम जो है वो वायलेट हो रहा है सेकेंड स्टेटमेंट तो नहीं दिस कैन नॉट बी एज्यूमड दो दिस लुक्स टू बी करेक्ट ओके बट दिस कैन नॉट बी एज्यूम्ड तो आपका पहला करेक्ट हो गया और आपका फोर्थ करेक्ट हो गया सी इज द आंसर एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइ इट सेल्फ बाई लिमिटिंग टू नरोली सर्कल विद इन विच पावर इज कंफाइंड ओली ओलीगार्किक गवर्नमेंट रूइ इट सेल्फ बाय द इनकोशियस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ बट इवन डेमोक्रेसी रून इट सेल्फ बाई एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी अरे वाह कह रहा है एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट क्योंकि बहुत ही कम लोगों के हाथ में पावर देती है इसलिए खत्म हो जाती है इसलिए अपने आप को लिमिट कर लेती है क्योंकि बहुत ज्यादा इमीडिएट वेल्थ पे फोकस कर लेती है इसीलिए वो खत्म हो जाती है एंड मतलब अपने आप को रूइन कर लेती है लेकिन डेमोक्रेसी भी अगर एक्सेस हो जाए तो रूइन होने लगती है इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू होल्ड ऑफिस

कि देखो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट ओली गवर्नमेंट ये तो हम समझते हैं कि अपने आप को रूइ करती है लेकिन डेमोक्रेसी भी अपने आप को कर लेती है अगर एक्सेस डेमोक्रेसी हो जाए क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको ये होता है कि आप ऑफिस होल्ड कर सकते हो पब्लिक पॉलिसी बना सकते हो इसके लिए सबके पास इक्वल राइट right है लेकिन ये राइट कब डिजास्टर हो जाता है अगर लोग पढ़े लिखे ही नहीं है अगर वो चुन के बेवकूफों को भेज रहे हैं ऊपर राइट तो अब आपके पास पता ही नहीं आपको कि आपको कैसे रूलर चुनने हैं आपको पता ही नहीं है कि आपको रूलर को क्रिटिसाइज करना है कि नहीं करना है उसकी पॉलिसी को कैसे आपको उसका एनालिसिस करना है आपको पता ही नहीं है तो ऐसी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं टेरनी या ऑटोक्रेसी में बदल जाएगी या है ओके okay, तो बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स क्रक्स पूछा है पैसे का क्रक्स तो समझ आ गया होगा ओके okay, देखते हैं ज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ये क्रक्स नहीं है क्रक्स है कि तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट तीन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताइए है इसमें ऊपर देखो एरिस्टोक्रेटिक ओलिगार्किक एंड डेमोक्रेटिक ठीक है इन तीनों में कुछ ना कुछ इशूज आए हैं तो पहला तो गलत ही हो गया एनी फॉर्म ऑफ तो फोकस इशूज पे था ना एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटीरिएट बाई एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल राइट ये ये अरे परफेक्ट वेरी नाइस यार ओके एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन एंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट बट ये इंश्योर कर दे ऐसा नहीं लिखा है कहीं पैसेज में प्लस वे टॉकिंग अबाउट द क्रक्स ऑफ द पैसेज दिस इज जस्ट अ मैसेज दिस इज जस्ट अ मैसेज दैट कम्स आउट ऑफ द पैसेज इट इज नॉट द क्रक्स ऑफ द पैसेज हैविंग अ गवर्मेंट इज अनेकॉज कुछ नहीं बिकवास ये तो ये देखो आप एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तीन गवर्नमेंट की बात करी गई है टें टू

नहीं यार तो ढाई मिलते हैं ना हम्म सही बात है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ये नहीं ये नहीं कितने पैसे चीज़ आए थे यार कितने बचे हैं अभी एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस Passages, भाई सही है, चलो करते हैं कोई बात नहीं खत्म ही कर लेते हैं नहीं तो चलता रहेगा फिर नथिंग कैन एग्जिस्ट स्टेट विच कैन बी कॉल्ड गुड और बैड बाय कॉमन एसेंट सिंस एवरी मैन हुन एडवाटेज एंड डिटरमाइंस वॉट इज गुड और बैड अकॉर्डिंग टू हिज ओन फैंसी एंड इन सो फार एज ही हैज रिगार्ड फॉर हिज ओन एडवाटेज अलोन एंड होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू नो वन सीव हिमसेल्फ बाई एनी लो एंड देर फोर सिन केन नॉट बी कंसीव्ड इन द नेचुरल स्टेट बट ओनली इन अविल स्टेट विच इज डिक्रीड बाय कॉमन कंसेंट वॉट इज गुड और बैड एंड ईच वन होल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट समझ में आ गया क्या कह रहे हैं देखिए क्या कह रहे हैं अगर एक इंसान अपने नेचुरल स्टेट में है तो उसको कुछ भी गुड और बैड कॉमन एसेंट तो होता नहीं है इंसान जब नेचुरल स्टेट में आया तो वो जंगली है वो किसी बात पे नहीं आ सकता कि चोरी करना खराब है चोरी ये करना अच्छा है वो करना खराब है फिर उसको बस ये दिखता है कि मैं अपने एडवांटेज के लिए काम करूँ है ना कंसल्ट ओनली हिज ए ओन एडवांटेज अपने एडवांटेज के लिए बस काम करूँ पेट भूख लगी है खाना चाहिए दिस इज माई एडवांटेज अब वो कहाँ से आ रहा है किसको मार के आ रहा है किसके घर चोरी करके आ रहा है डज नॉट मैटर आगे बात समझ द ओन एडवांटेज अलोन मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो ऐसी जो कंडीशन है इसमें आप अगर बोलेंगे कि लॉ या सिन सिन कैसे इसमें आप डिफाइन करेंगे तो नेचुरल स्टेट में नहीं कर सकते आप वो तभी कर सकते हैं जब एक सिविल स्टेट हो जहां पे कॉमन कंसेंट से डिसाइड हुआ हो, हो कि ये सही है ये गलत है और सबके सब स्टेट सब के लिए उस लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आगे बात समझ अभी कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का बताइए ठीक है जी पढ़ के देखते हैं समझ में आ रहा है क्या कोई सेंट्रल आइडिया निकल के आ रहा है क्या द कंसेप्शन ऑफ वॉट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट हो सकता है आगे देखते हैं क्योंकि ये तो था कि ये चीज राइट एंड रॉन्ग तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने नेचुरल स्टेट में हो तभी आएगी जब अपनी सिविल स्टेट में हो एंड सिविल स्टेट तभी आएगी जब आप स्टेट के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो तो ठीक है ये तो करेक्ट लग रहा है रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड एज टू वॉट इज राइट और रॉन्ग नो मैन वुड भी मॉरली राइट नहीं रूलिंग अथॉरिटी की बात नहीं करी थी इसने बात करी थी कि कंसेंट से आपस में कंसल्ट करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा इट वॉज नॉट जस्ट अबाउटिंग अथॉरिटी एंड नो मैन वुड भी मॉरली राइट नहीं इसने बोला था कि मॉरल्स की बात ही नहीं होगी तब तब आपका मॉरल सिर्फ इतना है कि आप अपने एडवांटेज के लिए काम करो तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग देखिए ना ये बोला ना सिन कैन नॉट बी द नेचुरल स्टेट ओके बोल रहे मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश इन नेचुरल स्टेट ये भी थोड़ा थोड़ा भी देखते हैं इसको चलो ठीक लग रहा है द आइडिया ऑफ वॉट इज राइट और रॉन्ग इज नेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज देखो अब पूरा इसमें क्या इश्यू है ना मैं समझाता हूँ आपको दो बातें हैं यहां से लेके यहां तक इस पैराग्राफ ने एक बात करी है और यहाँ एक बात करी है दिस इज़ फर्स्ट दिस इज सेकेंड तो जो सेंट्रल आइडिया निकल के आना है वो पूरे पैसेज का निकल के आना है तो पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया कैसे निकल के आएगा जब इसका जिक्र होगा और फिर बताया जाएगा कि ऐसे ठीक होता है इसमें सिर्फ पहली वाली चीज़ का जिक्र हुआ है दूसरे का जिक्र ही नहीं हुआ ठीक है तो अभी तक क्या समझ में आया हमें कितना घुचड़ गया ये दोनों गलत ठीक है अब ये और ये बचता है द कंसेप्शन ऑफ वॉट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट तो ठीक है इसने पहली वाली बात का जिक्र किया कंसेप्शन ऑफ बींग राइट एंड रॉन्ग और फिर दूसरी वाली, वाली बात का जिक्र किया कि तब आता है जब स्टेट बन जाता है तो ये हो सकता है द आइडिया ऑफ वॉट इज राइट और रोंग इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज इस सेकेंड वाली बात को ना उठा ही नहीं पा रहा कि कब वो स्टेट बनेगा कब वो एक सिविल कंडीशन में आएगा तो जो मेजर क्रक्स निकल के आता है वो यहाँ से निकल के आता है इस पैसेज का कि कोई भी चीज तब सही या गलत आएगी जब आप एक स्टेट का फॉर्मेशन कर लेंगे क्योंकि यही इस पैसेज में देखिए डायरेक्टली बोला है सिर्फ एक सिविल स्टेट में आप डिसाइड कर सकते हैं गुड और बैड क्या है वो तभी होगा जब स्टेट की स्थापना हो जाएगी ठीक है जी क्लियर ओके इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कॉमोडिफिकेशन ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज एआई एंड रोबोटिक्स थ्री Custom made biological and pharmaceutical products, lethal autonomous weapons, driverless cars. This will pose conundrums. The moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaw walker and swerving and damaging the car has often been debated. The answer is both simple, save the human life and complex. At which angle should the car swear? Just enough to save the jaw walker or more than enough?

पूरा का पूरा उठा के मतलब एक सेकंड में ना बता दिया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स थ्री डी मैन्युफैक्चरिंग इन सब में इश्यूज़ आने वाले हैं कह रहे हैं कि कैसे डिसाइड करेगी एक ड्राइवरलेस कार कि इंसान को मारो या कार के डैमेज को बचाओ चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि इंसान को बचाने के लिए डिसाइड करेगी लेकिन कैसे डिसाइड करेगी कि, कि कितनी एंगल पर मोड़ना है कि जस्ट बच जाए इंसान या पूरा बच जाए इंसान इनफ बच जाए या मोर देन इनफ बच जाए कैसे डिसाइड होगा कि क्या प्राइस है ह्यूमन लाइफ का और कौन डिसाइड करेगा जो बंदा कोड लिख रहा है यूएसए में बैठ के या उस स्टेट की गवर्नमेंट या वहां जहां कार बन रही है राइट तो अगर अलग अलग नेशनल जेनिजेक्शन के अलग अलग फाइन प्रिंट्स होंगे इस बात को लेके अलग अलग पोजीशंस होंगी कि ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज कितना करना है कैसे करना है तो ट्रांसनेशनल डिसीजन मेकिंग इंश्योरेंस फलाना का इन सब चीजों में बहुत दिक्कत आने वाली है Brilliant. ठीक है है भी बोल रहा कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताओ इस पैसेज का ठीक है चलिए जी देखते हैं पहला बोल रहा है टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट यार ये फिर गलत है देखिए समझिए पैसेज ना नकारत नहीं रहा है ग्लोबलाइजेशन को पैसे सिर्फ यह कह रहा है कि इन चीजों की वजह से ट्रांसनेशनल चीजों की वजह से कुछ इश्यूज आएंगे उन इश्यूज को आपको टैकल कैसे करेंगे देखना पड़ेगा तो यह नहीं कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन गलत है इसको बंदी कर दो नो नॉट एट ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स यस यस परफेक्ट परफेक्ट ये क्रक्स है इस पैसेज का एक्चुअली इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंच ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट ठीक है ये वही कह रहा है कि अब इनोवेशन जितनी हो रही है कैपिटल जिस लेवल पे क्रिएट हो रही है वो स्टेट के डोमेन में इंटरफेयर कर रही है क्योंकि पहले स्टेट की अथॉरिटी थी कि वो डिसाइड करेगी कि लाइफ अगर जाएगी तो उसकी क्या कॉस्ट है उसका इंश्योरेंस कैसे डिसाइड होगा आपको कार को डैमेज करना है या लाइफ को डैमेज करना है अब ये कौन डिसाइड करेगा टेक्नोलॉजी कंपनीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आउटसोर्सिंग कंपनीज करेक्ट गुड पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन फिर वही दिक्कत है इसमें जो पहले स्टेटमेंट में दिस इज नॉट एन एंटी ग्लोबलाइजेशन पैराग्राफ भाई ये ग्लोबलाइजेशन का पैराग्राफ है ही नहीं यही समझना है बस आपको पैराग्राफ पढ़ते आपको समझ में आ जाना चाहिए दिस पैराग्राफ इज नॉट अबाउट क्लोजिंग और बाउंड्रीज ओके दिस इज अबाउट टैक्लिंग द इशूज जियो पॉलिटिक्स विल to टू रिकनसाइल टू मेनी एंबिक्यूटीज एंड अनसर्टेनिटीज बिल्कुल परफेक्ट ये तो बोल रहे कि इतनी सारी एंबिक्यूटीज है अनसर्टिनिटीज है जो पॉलिटिक्स को रिकनसाइल re करना पड़ेगा उनको कंसीडर करना पड़ेगा उनको सॉल्व करना पड़ेगा ये थोड़ी दिखाई जो पोलिटिक्स धप्पा लगा दो बंद कर दो से. ठीक है जी तो क्या लग रहा है आंसर टू थ्री फाइव सी क्लियर समझ में आ गया एकदम चले आगे ओके द रेजोल्यूशन ऑफ बैंक केसेस ऑफ इंडिया अंडर द आई बी सी शुड हेल्प ब्रिंग एनपीए सिचुएशन अंडर कंट्रोल डिस्पाइट द स्लो पेस ऑफ रेजोल्यूशन बाय द एनसीएलटी द कोड कैन भी हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द बैंक बुक्स इन फ्यूचर क्रेडिट साइकिल्स recapitalization of private public sector banks too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. but bad debt resolution and recapitalization are only a part of the solution as then by themselves can do very little to rein in reckless lending that has pushed the indian banking system to its current sorry state. unless there are systemic reforms that address the problem of unsustainable debt lending, future credit cycles will continue to stress the banking system. IBC है ठीक है वो NPA की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने में कर रहा है ओके दो NCLT थोड़ा मंदा काम कर रहा है लेकिन स्टिल ओवरऑल द कोड द आई बी इज हेल्पिंग इन क्लीनिंग ऑफ द बुक्स साथ साथ में आप कर रहे हो बैंक्स का ताकि वो अच्छे से लेंड कर सके लेकिन 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 सिर्फ आईबीसी और रिकेपिटलाइजेशन ये सिर्फ पार्ट है सॉल्यूशन का असली दिक्कत है रेकलेस लेंडिंग की ये रहा आपको इस लेवल पे सिस्टम सिस्टमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि ये जो अनसस्टेनेबल लेंडिंग है ये हो ना देखिए व्हाट इज द इशू रिकेपिटलाइजेशन एंड बेड डेट रिजोल्यूशन दीज आर पोस्टमार्टम मेजर्स क्यूरेटिव मेजर्स नॉट फोकसिंग अप ऑन द प्रिवेंटिव मेजर्स हो क्यों राय क्यों अनसस्टेनेबल लेंडिंग कर रहे हो कि बाद में आपको रिकेपिटाइजेशन और बैडन की जरूरत पड़ रही है अंडरस्टैंड यहां पर यह बात कर रहे हैं चलिए देखते हैं फिर वही है लॉजिकल रेशनल प्रैक्टिकल सजेशन इम्प्लाइड सजेशन ठीक है जी देखते हैं लेंडिंग बाय बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट

बेसिक जो चीज़ है उसको ठीक करना पड़ेगा आनसस्टेनेबल लैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा ठीक है बिल्कुल सही है तो आ गया आंसर अपने आप ही बताइए कितना आसान है ढाई नंबर निकालना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो एक बार बस और जो समझा रहा हैं उसको समझते जाओ कहीं नहीं रुकेंगे नंबर आपके चलिए जी इतनी देर तो पैसेज पढ़ने में लग जाती है उससे कम टाइम आंसर निकालने में लगता है इन इंडिया तो ऐसे ऐसे पैसे आने चाहिए छोटे छोटे इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टू एहेंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी मॉनिट्री और फिजिकल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द अनदर ठीक है सिंपल पैसेज है क्या कह रहा है पैसेज यहाँ पे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि लोगों का जनता का इकोनॉमिक वेलफेयर हो ठीक है दो विंग होते हैं आपकी पॉलिसी के एक फिजकल एक मॉनिटरी अगर आप बोलोगे कि इंडिपेंडेंटली काम कर ले तो नहीं चलेगा दोनों को आपस में एक साथ समन्वय में आके कोऑर्डिनेशन में आके काम करना पड़ेगा तभी काम चल सकता है ठीक है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टू रिफ्लेक्ट दू दैसेजन अब ना एक ना बहुत आजकल मैं देखता हूं कि इतना ज्यादा इस चीज को लेके हाउल है कि क्या कीवर्ड यूज हो रहा है मैसेज क्रक्स भाई अभी बिना बिना इसके इसके पढ़ के सॉल्व करके देखो अभी सॉल्व होएगा द सेंट्रल बैंक के नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट सही बात है क्या है पैसेज ने गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन क्लोजली कहीं नहीं है पैसेज में ये इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी का कॉर्डिनेशन मार्केट पॉलिसी इज नॉट कम्पैटेबल विथ सोशलिस्ट पॉलिसी क्या बकवास है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वाइड फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बकवास है आया कि नहीं आया आंसर निकल के खुद से यही तो बस इतनी तो बात बोली है कि भाई इंडिपेंडेंटली काम मत करो आपस में साथ में काम करो मिलके. ये बात यहाँ पे इसने बोली है इंडिपेंडेंटली काम मत करो साथ में काम करो मिलके क्या इतना ज्यादा हाउल रहा है इस बात को लेके कि हमें और इंफ्लुएंस के बीच डिफरेंस जानना है हाय हमसे हो नहीं रहा है उसके बिना हम वीडियो देख ले उसकी भी अरे थोड़ा तो थो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे विश्वास रखो यार करके आओगे आप ही करके आओगे क्वेश्चन विल मेक इट हैपन चलिए आगे देखते हैं Okay, the best universities like Harvard and MIT, despite having the luxury of having some truly excellent teachers on their payroll, are increasingly embracing the flipped classroom project. Sorry, second. Flipped classroom format where students listen to video lectures at home, spend class time applying their knowledge, solving problems, discussing examples, etc. Professors guide that decision, fill in wherever necessary explaining those bits that seem to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happen to be topical these universities have made their video lectures available for free for anyone in the world they're also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their pedagogy picking the pieces that are in that are appropriate for their needs and building a package around them Beautiful, beautifully yeah. so this entire पैसेज इज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम्स पहले फ्लिप क्यों देखे क्लासरूम पहले अभी मतलब जो क्लासिकल क्लासरूम है वो क्या होता है क्लासरूम में आपसे हम आपको हम पढ़ाएंगे घर पे आपसे हम एग्जाम्पल्स कराएंगे असाइनमेंट्स कराएंगे फिर फ्लिप्ड क्लासरूम रूम इज इसका उल्टा हम आपको घर पे पढ़ाएंगे यहाँ पे आके आप हमसे डिस्कशन करोगे आप सॉल्व करोगे आप अप्लाई करोगे आप होमवर्क करोगे समझ में आ रहा है बात तो वो कह रहा है कि जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की वो ये कर रही हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी इंक्रेज कर रही है ऐसा करने के लिए नाउ लुक एट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज अरे सॉरी सेंट्रल आइडिया आपको बताना है इस पैसेज का ठीक है सुनते हैं पढ़ते हैं क्या क्या लिख रहा है एफिकेसी ऑफ यूनिवर्सिटीज वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मैथड एफिकवर्सिटीज़ वुड भी बेटर इन ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लास रूम ट्यूशन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मैथड अरे नहीं इस चीज़ की अरे वो 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 ये नहीं कह रहे कि क्लास रूम को ऑनलाइन कर दो नहीं वो ये कह रहा है कि क्लासेस घर पर प्रोवाइड करो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑनलाइन क्लास लेने की बात नहीं कर रहा है ये ऐसे है कि मैं आपको ऐसे बोलूँ यू पी एस सी की तैयारी आप करो मैं आपको लेक्चर्स दे दे रहा हूँ पहले लेक्चर पढ़ के आओ मेरे साथ डाउट पूछ लो फ्लिप्ड क्लासरूम ये नहीं कह रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. Okay. We need not invest much in infrastructure related to higher education and yet develop better human and social capital. Private sector institutions in higher education as well as coaching institutes can take advantage of this opportunity and thrive well. Central idea post has passage. ओके okay, ठीक है तो देखिए इसमें ना दो सेंट्रल आइडियाज हैं उनको क्रक्स निकालते हैं पहले एक ये है जहां पे वो बोल रहे है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ये काम कर रही है दूसरा है ये ये वाला कि अब हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं जितनी भी दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन ऑनलाइन कोर्सेज को अपनी पैडागोलॉजी में अपने हिसाब से इनकलकेट कर लें तो इससे क्या होगा हावर जैसे जो बेस्ट प्रोफेसर हैं वो आपको आपके घर में पढ़ा रहे हैं जो इशू है वो लेके आप अपने प्रोफेसर के पास जा रहे हो बात समझ में आ रही है तो इसका पूरे पैसे नॉट जस्ट अबाउट फ्लिप क्लासरूम इट इज अबाउट डेमोक्रेटाइजिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्योंकि उन लोगों ने फ्री में प्रोवाइड कर दिया अपना सब कुछ तो वो कह रहे हैं कि आप घर पर के पढ़ो एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज वॉचिंग लेक्चर्स बाई हार्वर्ड प्रोफेसर सोचिए आप क्या एजुकेशन का लेवल जाएगा राइट तो वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड ये डेवलप बेटर ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना है ओके Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. ये एक possible हाँ मतलब वो है central idea है क्योंकि क्या कह रहे availability of higher education इसको आप easier बना सकते हो cheaper बना सकते हो वही जो आप वो बात भी कह रहे हैं Harvard वाले ये हमारा course है आपके लिए easy है cheap है और इसमें क्या सबसे बड़ी एक बात क्या है ये content dilute नहीं करेगा क्यों क्योंकि आई विल बी स्टर्डिंग फ्राम द बेस्ट प्रोफेसर्स द बेस्ट कंटेंट ठीक है तो हाँ ये वाली बात तो है फिर ये जो बात है कि आपको हायर एजुकेशन में के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सही नहीं है कुछ हद तक क्योंकि एनी वे यूल नीड हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि बच्चे आके क्लास में डाउट्स पूछ सकें राइट right? तो वो तो चाहिए होगा ना तो दिस इज नॉट प्रॉपरली करेक्ट प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन एज वेल एज कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड थ्राइव वेल दिस वॉज नॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एवरीथिंग एट दिस वॉज टॉकिंग अबाउट कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट एंड कोचिंग ये कहाँ से आ गया हटा दीजिए इसको तो मतलब बी और सी दोनों दोनों थोड़े थोड़े पास लग रहे हैं बट अगर क्रक्स पे जाओगे तो बी दिखने लगेगा ठीक है Our cities are extremely vulnerable to climate change because of large concentrations of population and poor infrastructure. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed the systems to address climate change impacts. Our cities contribute to 65% of the GDP, but there are not enough facilities to cater to the needs of the people. It is important to address the issues of air quality, transport, etc., that are vital to identifying sustainable solutions. we need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the need of the people ठीक है जी बात समझ में आ हाँ गई है क्या कह रहे हैं सिटीज़ जो है वो वलनेबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए क्योंकि बहुत जनता रहती है इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है मोर ओवर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे लेकिन अभी भी हमने उन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को डील करने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है हमारी सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सिक्सटी ऑफ जे लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोगों की नीड्स हैं ज़रूरत है उनके लिए इनफ हम नहीं कर रहे हैं हमें एयर क्वालिटी ट्रांसपोर्ट जैसे इशूज़ को डील करना पड़ेगा इनके सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे एंड सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ताकि एक इको सिस्टम क्रिएट करा जा सके जहाँ पर जनता की जो नीड है सिटीज़ में वो फुलफिल की जा सके ठीक है ग्रोइंग वेक ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन सिटीज़ उस पर क्लाइमेट सब चीज़ों की बात कर रहा है ठीक है जी इसका इन्फ्लेंस पूछ रहा है सबसे बढ़िया क्या निकाल के लाओगे चलो देखते हैं अवर सिटीज़ नीड टू तो हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशेंट ऑटोनॉमी कहाँ से आ गया ये वो तो बोल अरे यार ये बिल्कुल ही पैसे के अगेंस्ट चला जाता है वो बोल रहा है लोगों को लेके आओ लोगों को पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड करो ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी दे दो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ हिंड्रेंस इन अवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं इसने फिर नहीं बोला है ये कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा नहीं ये कह रहा है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो सस्तेनेबिलिटी डेवलप करो ये नहीं कह रहा है कि उसकी वजह से नहीं हो रहा है टू मेंटेन एंड डेवलप एन अवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी हाँ यस yes, यस yes, ये वही तो मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा है ये कह रहा है पी 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 मोड ऑफ डेवलपमेंट इज द वायबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या जबरदस्ती कहीं से कुछ भी उठा के लाता है ठीक है जी सी हो गया आपका आंसर ओके सिंपल वेरी 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 सिंपल क्या है स्कोप है आपके पास अभी से गलत करने का बताइए इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसी चीजों में तो फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में आई एड्रेस ठीक है जी चले आके भाई ओवर हो गया अब तो कितना बचा है ये ओके दो चार ही बचे हैं निपटाई है लेते हैं can a democracy avoid being a welfare state for long? why cannot mass welfare be left entirely to the markets? okay, there is a built-in tension between market and democracy. markets do not work on a one-person-one-port principle of democracies. what one gets out of the marketplace depends on one's endowments, skill, purchasing power, and the forces of demand and supply. markets reward individual initiative and skill. एंड मे ऑल्सो लिफ्ट मैनी फ्रॉम द बॉडम रंग्स ऑफ द सोसायटी बट समीपल ग अपॉर्चुनिटी डेवलप स्किल्स एंड द मार्केट डिमांस द आर सिंप्ली टू पोर एंड टू हैंडीकेप्ड और स्किल फॉरमेशन टेक्स टू लॉन्ग बाई क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट मे बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल्ड पीपल बट कैपिटलिज्म गुड यार गुड गुड थॉट प्रो वॉकिंग मैसेज कि क्यों हम वेलफेयर स्टेट ना रहें क्यों हम मास वेलफेयर मार्केट पर नहीं छोड़ देते ये जो मार्केट और डेमोक्रेसी के बीच की टेंशन है चलती रहती है मार्केट जो है वो इस चीज पे काम नहीं करता कि भाई हर इंसान को उसके हक का मिले हर इंसान को इक्वल रखो नहीं वो काम करता है परचेजिंग पावर पे आपके डिमांड सप्लाई पे आपके इनिशिएटिव पे आपके स्किल पे जितना आपको स्किल है उतना आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन हर एक इंसान को तो ये मौका नहीं मिलता है ना कि अपनी स्किल को डेवलप कर ले राइट मे बी वो बहुत पुअर है मे बी उसको खाना भी नहीं मिल रहा है तो स्किल कहाँ से डेवलप कर लेगा मार्केट जॉब्स बना सकता है चलो अनस्किल्ड लोगों के लिए बना देगा लेकिन ज्यादातर हमने कैपिटलिज्म में यही देखा है कि अल्टीमेटली इट इज अ लॉट ऑफ अनुप्लॉयमेंट स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अनस्किल्ड एंड एट द बॉटम रंग ऑफ द सोसाइटी चलिए फिर अजमशन का क्वेश्चन है देख लेते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेज टू इनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट्स मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेज

कि जो चीज होती है वन पर्सन हर पर्सन इक्वल लोअर स्ट्रेटा रंग वो सब नहीं डील हो पाएगा तो दिस इज रॉन्ग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर लेफ्ट बिहाइंड परफेक्ट परफेक्ट ये तो कह रहा था वो मार्केट से कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं तो गवर्नमेंट को कुछ चीजें करने दो डन थ्री सिंपल इन इनअवर स्कूल्स वी टीच आर चिल्ड्रन ऑल दैट इज देयर टू नो अबाउट फिजिक्स मैथ्स एंड हिस्ट्री एंड वॉट हैव यू but do we tease them about bitter caste divide that plagues the country about the spectre of famine that stalks large part of our land about gender sensitivity possibility of atheism. Kya rahe? equally important do we tease them to ask questions or do we tease them only to passively receive our wisdom from the cocooned world of school suddenly the adolescent finds himself or herself in the unfettered world of university here he or she is swept up in a turmoil of ideas influences and ideologies.

ंस यू आर डन विद य स्कूलिंग यू रीच यूनिवर्सिटीज वहां पर आपको एक एंटायरली डिफरेंट एनवायरमेंट मिलता है जिसको आप केटर नहीं कर पाते हो जिसपे आप ढल नहीं पाते हो एंड इशू ओके आप कह रहे हैं बेस्ट्रल आइडिया ओके स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपेटेबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट सेंट्रल आइडिया चिल्ड्रन और पेरेंट की एक्सपेक्टेशन कहां से आ गई इसमें एम्फेसिस ऑन अकेडमिक अचीवमेंट डज नॉट गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी स्किल्स फिर बकवास पिपिंग द चिल्ड्रेन टू बी बटर सिटीजन शुड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम टू बी ए बटर सिटीजन द प्रजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड सोसाइटी एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स एंड एडिशन टू अकेडमिक कंटेंट ये लाश वाली चीज़ें दोनों ठीक ठीक से लग रही है ये तो समझ में आ रहे हैं ना यूनों तो फालतू तो की थे एकदम बकवास पहले वाले तो चिल्ड्रेन पेरेंट की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे उसको ये थोड़े लिखा है उसने बोला है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कास्ट फमाइन जेंडर सेंसिटिविटी क्वेश्चन पूछना अलाउ करना कि यू कैन बी एन एथ ही ठीक है क्योंकि तभी आप फिर ये सब चीजें जान पाओगे तभी आप आगे जाके यूनिवर्सिटीज में जो आइडियाज इन्फ्लुस आइडियोलॉजीज आपको इतनी सारी देखने को मिलती है आप उनको कॉपअप कर पाओगे ठीक है तो प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी अ बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम सही तो है ये बात गलत तो नहीं है और दूसरे में बोल रहा है टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू अकेडमिक कंटेंट तो दिस क्वेश्चन वॉज नॉट जस्ट रिलेटेड टू मेकिंग आर चिल्ड्रन बेटर सिटीजन इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा इट वॉज अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड ताकि वो दुनिया अब ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी फॉरन यूनिवर्सिटी में जा रहा हो या यहां पर इलेक्शन की सिटीजन की राइट टू वोट की वो सब बातें तो करी ही नहीं है इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग द बेटर सिटीजन इट इज अबाउट हेल्पिंग दम कोप विद द वर्ल्ड ऑर्डर ठीक है दोनों में इसमें बात करिए बेटर सिटीजन की ठीक है कि बेटर सिटीजन बना लो बेटर सिटीजन बना लो एक में बोल रहे कि यह सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक में बोल रहे कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिमांड करता है सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स एकेडमिक कंटेंट के साथ साथ तो देखिए दोनों कहीं ना कहीं बात सेम सी कह रहे हैं मैं होता तो मैं इसमें डी मार के आता लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इसको गलत करने के चांसेस हैं थोड़े से आपको सी भी लग सकता है बिकॉज इट इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द पैसेज ठीक है ओके क्लियर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर बट स्टिल सी अगर कोई मार रहा है तो भी इट्स तो ओके कोई बात नहीं Okay, last two paragraphs. Medieval merchants risked the hazards of the Silk Road to reach the markets of China. Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge than for gold and spices. Historically, the driver of opening frontiers has been the search for resources. Yes, this is a good line.

चीजें ओपन कर पाओगे अगर आप उसको भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की तरफ देखोगे जिस दिन मार्स पे आपको डायमंड मिल गए ना दबे हुए तब देखना आप फिर मार्स पे जो मिशन जाते हैं वो कितनी तेजी से जाया करेंगे क्या बढ़िया पैराग्राफ है यार तो कह रहा है कि इसमें से क्या इस पैराग्राफ को समअप करता है अच्छे से वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर एनी ह्यूमन एंडेवर हाँ कहीं कहीं तक तो कर रहे हैं ठीक है वेल्थ जनरेशन इससे भी ज्यादा इट इज अबाउट रिसोर्स अबाउट इकोनॉमी नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ स्पेस वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न फ्यूचर इकोनॉमी बकवास ह्यूमन बींग्स मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली इकॉनॉमी कंसिडरेशन गुड वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मैन नहीं दिस क्वेश्चन वॉज नॉट फोकसिंग अपॉन वेल्थ जनरेशन एज सच इट हैज मोर टू डू विद इकोनॉमिक एंड हाउ सम पीपल एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग रिस्क और जनरेटिंग वेल्थ नो इट वॉज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स कैन बी डन बाई ह्यूमन बींग्स अंडर द मोटिवेशन ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन ये तो बोल रहे पूरा का पूरा पैराग्राफ देखिए हिस्टोरिकली driver for opening frontiers has been the search for resources. ठीक है क्या रहा है ड्राइवर ड्राइवर मतलब मोटिवेशन क्या रहा है मोटिवेशन नए फ्रंटियर्स पे जाने का ह्यूमन बींग्स के लिए रिसोर्सेज सर्च फॉर रिसोर्सेज यही बोल रहे हैं देख लेते तीन बातें नए फ्रंटियर मोटिवेशन मतलब ड्राइवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्लियर चलिए जी लास्ट पैरा मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डिलीवरेट लाइज इज रॉन्ग except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth even the most truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies their use of words contains some measure of falsehood more or less deliberate both the philosophically vague passage most people would agree that telling deliberate lies is wrong है ना अगर आप खुल के ऐसे आके झूठ बोलते हो तो गलत है कुछ सिचुएशंस में बोल सकते हो जहां पे सच बोलने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा जो एकदम ट्रूथफुल लोग हैं ना वो भी कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं काफी सारे झूठ बोलते हैं अपने वर्ड्स को किस तरीके से चूज करते हैं वो बोलने के लिए क्या बोलते हैं क्या छिपा लेते हैं अगर इसको कंसिडर करने लगोगे तो दे विल बी अ लॉट मैनी लाइज दैट देर दीपल ट्रूथफुल पीपल्स कोल्ड आर स्पीकिंग

तो कहाँ कहा, किस लेवल पे हमारा डिसएग्रीमेंट है ओनली कि किस ट्रूथ से कितना हार्म हो रहा है अगर ट्रूथ बोलने से कितना हार्म हो रहा है उस पर हमारा डिसएग्रीमेंट है कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं पूरा सच बोलना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे इतना 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 फोकस इज नॉट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ और टेलिंग लाइज इट इज अबाउट मेजरली अपॉन कितना कितना सच बोलना है इस पर आपका डिसएग्रीमेंट है इस पर आपको एग्रीमेंट रीच करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल मिक्सिंग अप ट्रू एंड फॉल्स इंटेंशनली मिक्सिंग अप ट्रूथ विद द फॉल्स फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं कंप्लीट कंसीलमेंट तो कर नहीं रहे हैं गुड पीपल वो हो गए ना ट्रूथफुल पीपल सेकंड पैराग्राफ वाला बोल रहे सेकेंड लाइन दिस पार्ट द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल टेल अ मेनी मोरलाइज जिनको हम सीमेंटिकलाइज बोलेंगे वो क्या वर्ड्स यूज करते हैं उसमें फोल्सुड होता है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट फॉल्सुड होता है ठीक है जी तो इंटेंशनल यानी डेलिब्रेट, मिक्सिंग अप किसका ट्रूथ का लाइस से फॉल्स से दिस इज वॉट गुड पीपल आर डूइंग इन द वर्ल्ड ट्रूथफुल पीपल आर डूइंग इन द वर्ल्ड ओके बट आई एम नॉट मिक्सिंग अप एने ट्रूथ विद एनी लाई मैं आपको सच सच सिर्फ सच और सच और सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूं और सच ये है दैट यू विल क्लियर सी सेट विद ईज दिस ठीक है यू विल क्लियर सी सेट विद ईज करते जाइए लेक्चर्स को आई गिव माई बेस्ट यू गिव योर्स जस्ट फॉलो द लेक्चर्स एंड यू सी दैट यू आर क्लियरिंग सी सेट विद ईज Alright, if you are doing it, if you are feeling confident after doing this lecture, write either this or I feel more confident in CSAT Yeah in RC. Write any of these lines in the comments. Not for me, but for yourself. Taki apko Ki you felt it. Taki दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट ताकि आपको याद रहे दैट यू कैन डू इट ताकि आपको याद रहे दैट यू आर डूइंग इट एंड यू विल डू इट एंड यू विल मेक इट खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाओ खड़ ये तो सी सैट है ओके दिस इज मी सत्यम जैन साइनिंग ऑफ जय हिंद वंदे मातरम